किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि जसवा प्रागपुर के स्वाणा में मर्चेंट नेवी की वर्दियां बनेंगी, लेकिन ये सच हुआ है। स्वाणा इंटरनेशनल कंपनी द्वारा मर्चेंट नेवी की वर्दियां तैयार की जा रही हैं, जिन्हें मुंबई भेजा जा रहा है। दरअसल कोविड काल में महिलाओं के काम दिलाने के आग्रह पर जसवा प्रागपुर के समाज सेवी कैप्टन संजय पराशर ने ये इंडस्ट्री स्थापित की थी। इसके लिए बाकायदा महिलाओं को मुंबई के कलाकारों की ओर से प्रशिक्षित किया गया। अब स्थानीय महिलाएं मर्चेंट नेवी की वर्दियां तैयार कर रही हैं। कंपनी में 18,000 मीटर कपड़ा पहुंच चुका है और 8,000 वर्दियां भी तैयार कर ली गई हैं। कोविड काल में जहां व्यवस्थाएं चरमराई थी, कई बेरोजगार थे, महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं ने संजय पराशर से रोजगार उपलब्ध करवाने का आग्रह किया था, जिसके बाद उन्हें रोजगार मिला है। मेरा नाम पूनम देवी है। कैप्टन संजय पराशर जी ने हमें ये रोजगार जो कोरोना के दौरान दिया है, उससे हमें बहुत ही मतलब लाभ मिला है। हमने बहुत अच्छे से काम किया है यहाँ पे और मतलब सेल्फ डिपेंड होके अच्छे से काम कर रहे हैं। हाँ जी, मतलब हम चाहते हैं कि कैप्टन संजय पराशर जी और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें यहाँ पे ले आएँ, जिससे कि और लेडीज़ को भी काम करने का मौका मिले, जिससे कि रोजगारी बेरोजगारी जो है वो कम हो। क्या नाम है आपका? सरिता ठाकुर। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि कैप्टन संजय पराशर ने जो ये काम खोला है, हम लेडीज़ जो भी थी, हम उन्होंने हमें अपने घर द्वार पे काम दिया और हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं। और हम बहुत अच्छा मतलब कि हम बहुत अच्छा इनका वो कर रहे हैं काम, और हम उनका दिल से अभिनंदन करते हैं कैप्टन संजय पराशर जी का। और हमें यहाँ काम करते हुए 1 साल कम्प्लीट हो गया आज। नई नई जो मर्चेंट नेवी की ड्रेसेस बन रही हैं, कैप्टन संजय पराशर द्वारा ये खोला गया, फिर हमने यहाँ पर ट्रेनिंग ली, उसकी वजह से हम ये ड्रेसेज आज बना रहे हैं। नहीं, बाहर से लोग आए थे बॉम्बे से 1 महीने की, उसके बाद हम परमानेंट काम कर रहे हैं, रेगुलर 1 साल से काम कर रहे हैं। अभी कितनी महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं? यहाँ पे अभी तक 4 महिलाएं हैं और हमारे एक कटिंग मास्टर जी हैं। और आज 1 साल के बाद दोबारा से 4 मशीनें और आ गई हैं, जिनकी आज फिर से दोबारा इंटरव्यू होने जा रहे हैं। जब वो वोकल फॉर लोकल का उन्होंने एक नारा दिया, तो उनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना अपने गांव के लिए कुछ ऐसा किया जाए। गांव की महिलाओं ने भी जब देखा कि बेरोजगारों को रोजगार जब यहाँ कोई नहीं कर पा रहा है, जो काम कोई नहीं कर पा रहा है वो कैप्टन संजय पराशर द्वारा संभव हो पा रहा है, तो गाँव की कुछ महिलाएँ हमारे पास आईं कि सर हमारे लिए कुछ करिए। तो उस टाइम ये सोच आई कि हमने रियाज भाई जो जिनकी कंपनी है बॉम्बे में, वो जो काम करते हैं, उनसे हमने संपर्क किया कि क्या ये कंपनी आप हमारे स्वाणा से शुरू कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले तो थोड़ी हेजिटेशन दिखाई, लेकिन बाद में उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि मुझे स्वाणा में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर मैं बनाने जाऊँगा यहाँ पर ये काम करने जाऊँगा, मर्चेंट नेवी की यूनिफॉर्म्स बनाने जाऊँगा, तो जो काम मुझे बॉम्बे में 100 रुपये का पड़ता है, मुझे यहाँ 120-119 का पड़ेगा। कैप्टन संजय ने गो अहेड किया, उन्होंने कहा मैं उसका लॉस उठाऊँगा, आप मेरे गाँव में ये जो छोटा सा लघु उद्योग है आप प्लीज़ शुरू करिए, और वहाँ से हमने ये लघु उद्योग था वो शुरू किया। लगभग 18,000 मीटर जो कपड़ा है 1 साल में यहाँ तक पहुँच गया है, और अभी तक जो डाटे के अनुसार है, और 8,000 के करीब जो डांगरीज हैं वो ऑलरेडी तैयार हो गई हैं। अभी हाल ही में 2 महीने पहले हम एक कंपनी में गए, वहाँ के ओनर को हमने कहा कि आप गांव में आइए, और हमारी गांव की जो लेडीज़ हैं वो ये काम बहुत अच्छा करती हैं, उनका जो वो खरा सोना है वो आपको वो डिलीवर करेंगी जो आपको चाहिए। और वो डांगरीज पहन के जो बच्चे जहाज पर काम करते हैं, हमारी लेडीज़ बना के दे रही हैं, तो जो बना रही हैं वो रोज़गार तो ले ही रही हैं, लेकिन उनके मन में जो सीते सीते उनके मन में ये बात भी आ रही है कि ये डांगरी मेरा बच्चा भी पहने, मेरा बच्चा भी अफसर बने, और वो अफसर बच्चा हमारी ही तरह ऐसे ही एक नहीं 1,000 कंपनियां और खोले। हिमाचल हेडनेक हॉस्पिटल, मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल। यहाँ आपको एक छत के नीचे मिलेंगी कई सुविधाएं, जैसे ENT क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक। इसके अलावा यहाँ होती है सिर, गला और फेशियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, और सभी का उपचार मुनासिब दाम में किया जाता है। साथ ही हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड भी माने हैं, ताकि आपको मिले बेहतर इलाज और आप जिए बेहतर जिंदगी। हमारा पता है हिमाचल हेडनेक सेंटर @ डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नियर नादौन चौक, हमीरपुर।